दुनिया में कई प्रकार की बीमारियां चल रही है, जैसे कोरोना वायरस, जीका वायरस, स्वाइन फ्लू आदि। इन बीमारियों में इंसान ना जाने किन किन हालातों में पहुंच जाता है और सही समय पर इलाज ना मिलने पर मौत भी हो जाती है। हालांकि अब इन बीमारियों का इलाज संभव है और काफ़ी हद तक इन बीमारियों से निजात भी पा लिया गया है। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसी अजीबोगरीब बीमारियां हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। इनमें से कई बीमारियों का इलाज तो आज तक नहीं बना है। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही 10 बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिनमें से कई बीमारियों का विज्ञान भी इलाज नहीं ढूंढ पाया और जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 1, ह्यूमन पापिलोमा वायरस। ये एक प्रकार की त्वचा से जुड़ी हुई बीमारी है और इंसान इससे पूरी जिंदगी जूझता रहता है। ये एक रेयर बीमारी है और अब तक दुनिया भर में इसके सिर्फ 195 केस ही सामने आए हैं। इस बीमारी में इंसान का पूरा शरीर पेड़ जैसे दिखाई देता है। कई बार इस बीमारी से हाथ, पैर और चेहरा लकड़ी जैसा दिखाई देता है। बता दें कि ये बीमारी लाइलाज है। कई फिजिशियंस इसका इलाज ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं पर नाकाम रहे। नंबर 2, हाइपरट्राइकोसिस। इस बीमारी को वेयरवुल्फ सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोनल अस्थिरता के कारण इंसान के चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर बाल उग जाते हैं। कई लोगों को पैदा होने के साथ और कई लोगों को उम्र बढ़ने के साथ ही बीमारी लग जाती है। 2008 में ये रेयर बीमारी भारत में भी सामने आई थी, जब 11 साल के लड़के के शरीर और चेहरे पर बाल उग गए थे। परिजनों ने सभी तरह का इलाज करवाया लेकिन अपने बच्चे को इस बीमारी से निजात नहीं दिला सके। नंबर 3, एग्रीरिया ब्लू स्किन। इस बीमारी में इंसान का पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। ये रियल लाइफ स्मर्फ यानी नीले कार्टून डिजीज है। पुगेट फैमिली के सदस्य इस बीमारी से 200 सालों से जूझ रहे हैं। इन्हें देखकर लोग चौंक जाते हैं। ये बीमारी खून के डिसऑर्डर के कारण होती है। नंबर 4, हेरिडिएटर एंजियोडेमा। ये बीमारी पूर्वजों या फैमिली मेंबर्स में से एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है। इस बीमारी में इंसान के शरीर में सूजन आ जाती है, हाथ, पांव, चेहरा सूज जाता है। अब तक दुनिया में इसके सिर्फ 50,000 केस ही सामने आए हैं। नंबर 5, एलियन हैंड सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस बीमारी में इंसान अपने हाथों पर ही कंट्रोल नहीं रख पाता, हाथ अपने आप ही काम करने लगते हैं। इस बीमारी में इंसान ना चाहते हुए भी अपने आप या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 6, वाटर एलर्जी। एक्वाजेनिक यूट्रिकेरिया नाम की इस बीमारी में इंसान के शरीर पर पानी लगते ही उसकी त्वचा लाल हो जाती है। ये बीमारी बहुत रेयर है और दुनिया भर में अब तक इसके सिर्फ 30 मरीज ही सामने आए हैं। ये बीमारी ठीक होने में बहुत अधिक समय लेती है। कई बार आधी या उससे ज़्यादा उम्र बीत जाने पर ठीक होती है। सिर्फ नहाते ही नहीं, पानी पीने पर भी शरीर में बहुत तेज जलन होती है। नंबर 7, फेटल फैमिलियन इंसोमनिया। अगर आप पूरे 2 दिन या उससे ज़्यादा तक नहीं सो पाए हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन कई दिनों तक नींद न आना भी एक बीमारी है। ऐसी एक बीमारी इंसोमनिया है और इससे पीड़ित व्यक्ति कई हफ्तों से लेकर कई महीनों तक नहीं सो पाता। ये बीमारी दुनिया भर में सिर्फ 40 परिवारों में देखी गई है। नींद न आने के साथ साथ इस बीमारी में हाई पल्स, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा पसीना भी आता है। नंबर 8, पोर्फीरिया। 18वीं सदी में अंग्रेज किंग जॉर्ज 3 इस बीमारी से पीड़ित था। इस बीमारी में प्रोटीन प्रोडक्शन से ब्लड सेल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इंसान का मलमूत्र बैंगनी रंग का होता है। इस बीमारी में इंसान उल्टी, कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, सूर्य की किरणों से परेशानी, सूजन, खुजली आना जैसी कई समस्याओं से जूझता है। इसमें माथे पर बाल आना, धूप में चमड़ी लाल हो जाना आदि से भी परेशान रहता है। नंबर 9, लाफिंग डेथ या कुरू। इस बीमारी में इंसान की हंसते हंसते ही मौत हो जाती है। ये बीमारी मनुष्य के दिमाग में एक छेद कर देती है। इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण नरभक्षण है, यानी इंसानों को ही भोजन बना लेना। आदिवासी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों का दिमाग पकाकर खा जाया करते थे, जिससे ये बीमारी और फैलने लगी। लेकिन नरभक्षी लोगों के इस एक्ट पर सरकार के बैन लगाने के बाद अब यह बीमारी लगभग खत्म हो चुकी है। नंबर 10, प्रोजेरिया। बॉलीवुड मूवी पा में अमिताभ बच्चन को ये बीमारी हुई थी। ये बीमारी रेयर है।
और 80 लाख बच्चों में से सिर्फ एक को ही होती है। इस बीमारी में बचपन से ही इंसानी शरीर बूढ़ा सा हो जाता है। इसमें बच्चा 13 साल की उम्र तक ही जीता है, परंतु कुछ बच्चे 20 साल तक जीवित रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और इससे आपको कुछ काफ़ी नया जानने को मिला होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द साइंस टाइम को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए